तो गाइस कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग रैंक पुशिंग, कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिलहाल देखो आज का वीडियो ना काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है और नेक्स्ट सीजन के लिए भी कुछ बता देंगे, मतलब समझ रहे हो ना एडवांस में। तो सबसे पहले यहाँ पे सीन देखो क्या होता है। सबसे पहले एंट्री होता है इवेंट पे और उतरते ही मेरे को मिल जाता है गन। और यहाँ पे सीन देखो अभी और यहाँ पे एक गन मिलते हैं ना फटाफट से, एक बंदे को फिनिश करके ना आराम से यहाँ पे अपना लूट वूट कंप्लीट कर ही रहा था। और तभी मेरे पे आ जाता है, मतलब मेरे दिमाग में आता है कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ऊपर जाके ना मतलब ये करना है, सर्वाइव करना है। पर ऊपर ऑलरेडी एक बंदा पहुँच चुका है, मैं सोचा कि थोड़ा पोर्टल वगैरह यूज़ करेंगे और ऊपर चले जाएँगे, ऊपर जाके बंदे को फिनिश करके अपना यहाँ पर डेरा बना लेंगे, समझ रहे हो ना। पर यहाँ पर सीन देखना क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर पोर्टल यूज़ करता हूँ और यूज़ करने के बाद जब भी ऊपर जाता हूँ ना तब यहाँ पर सीन देखो। यहाँ पे ऊपर जाते ही बंदे ने मेरा ही चटनी बना देता है, पेटी बनवा देता है आराम से। और बनाने के बाद खुद का पेटी बनाने के बाद यहाँ पे रिकॉल हो जाता है, रिकॉल होके यहाँ पे मिल्टा पे मेरे को फेंक देता है, आराम से यहाँ पे सर्वाइव करता है। और एक बॉड भैया जी भी यहाँ पे मिल जाते हैं तो इसको भी आराम से यहाँ पर फिनिश करते। फिनिश करने के बाद गाड़ी वगैरह उठा के ना सीधा आ जाते, ये वाला जो क्या नाम है, इस जो भी पोजिशन रहता है यहाँ पर आ जाता हूँ, मैं नाम भूल जाता हूँ कभी कभी, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आराम से यहाँ पर अपना सर्वाइव निकालते काफ़ी देर तक, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा सर्वाइव करेंगे क्योंकि तुरंत जोन के अंदर घुसोगे ना तो भाई कहीं ना कहीं इसे बंदा आपको इजी फिनिश कर देगा। और यहाँ पे अपना जो है ना काफ़ी देर तक सर्वाइव करता हूँ और मेरे पास ऑलरेडी एक फ्लेयर गन था तो वो चला के ना मैं BRDM भी मंगवा लेता हूँ और BRDM से ही आप सर्वाइव करेंगे। तो देखो एंड में जाके किल निकालेंगे, अभी फिलहाल 2 किल है और BRDM लेके जोन के अंदर एंट्री लेता हूँ। जोन जब बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, मतलब टॉप 20 हो जाता है, तब जाके मैं फाइट लेने की ट्राई करता हूँ। तो BRDM लेके मैं यहाँ पर पोजिशन ले लेता हूँ जोन के अंदर यहाँ पर। और अब देखो यहाँ पर कैसे किल्स वगैरह निकालूंगा। और यहाँ पे आते ही ना तभी मेरे को काफ़ी दूर एक बंदा स्पॉट होता है, जब यहाँ पे सच बोलूँ तो मेरा एम थोड़ा सा चौक हो गया था और बंदा भी काफ़ी दूर था, जिसकी वजह से यहाँ पे बंदे को फिनिश नहीं कर पाता हूँ। पर यहाँ पे टैप टैप देकर अच्छा खासा डैमेज भी देता हूँ, उसके बाद बंदा खुद पर स्मोक भी कर लेता है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर मतलब बंदे को ना स्पॉट नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए मतलब जो है रैंडमली फायर लेता हूँ, लेकर चुपचाप बैठ जाता हूँ BRDM में। और इतने में पीछे साइड में भी एक बग्घी आ जाता है सामने वाले शैक पे। तो अब देखो यहाँ पर सीन, तो फिलहाल यहाँ पे शैक पे भी ऑलरेडी और एक बंदा रहता है जो आपस में फाइट करके एक बंदे दूसरे बंदे को फिनिश कर देता है। उसके बाद मैं यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट करता हूँ क्योंकि यहाँ पे सामने वाले जो कंपाउंड था ना इस साइड में, कि इस साइड में और एक बंदा यहाँ पे चुपचाप बैठ रहता है, तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद ना यहाँ पर मेरे को बंदा जब स्पॉट होगा खिड़की से, समझ रहे हो ना, तब मैं एकदम हार्ड स्कूप करके बैठ जाता हूँ, तभी बंदे को फिनिश करूँगा। और थोड़ी देर में बंदा भी यहाँ पर पीक लेता है। तो देखो यहाँ पर सीन, तो फिलहाल इस भाई को तो बहुत ही इजीली फिनिश कर देते। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा स्कोपिंग करता हूँ, इतने में एक बंदा स्पॉट होता है। तो बताओ भाई ये वाला स्प्रे कैसा लगा, एकदम खतरनाक लेवल का स्प्रे गया यार, भाई को इजी फिनिश कर देते हैं और हो जाता है 4 किल। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा एमओ चाहिए, तब BRDM में मेरे को एमओ रखा हुआ था, तो एमओ उठा के चुपचाप फिर से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। और इतने में थोड़ा सा वेट करने के बाद ना और एक यहाँ पर रोटेशन जाता है। तो यहाँ पर सीन देखो, तो फिलहाल ये वाले स्प्रे के लिए भी एक लाइक कर सकते हो। और उतने में ही मेरे को साइड में और एक बंदे का साउंड आता है, तो इसको कैसे फिनिश करता हूँ बस सीन देखो अभी यहाँ पे। और फिलहाल इस वाले बंदे को भी स्पॉट करके इजी यहाँ पे फिनिश कर देते, उसके बाद हो जाता है अच्छा खासा 6 किल। अब देखो मेरे से होने वाला है एक छोटा सा गलती, क्या गलती होने वाला है वो गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि लास्ट जोन में ना जोन को सबसे पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, नहीं तो आपको मतलब आपके लिए दिक्कत होगा जो मेरे साथ यहाँ पर हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीन देखो कि चुपचाप यहाँ पर होल्ड करता हूँ, क्योंकि सामने वाले कंपाउंड में ना और एक बंदा रहता है और उसको मैं किल करना चाहता था, उसके मतलब उसको किल करने के बाद जाके मैं मतलब जोन के अंदर एंडी लूँगा, मैं ऐसा सोचा था। और मेरे साथ क्या गलती होने वाला है बस अभी यहाँ पे सीन देखो।
और उसके बाद ये वाला सीन मेरे साथ हो जाता है। मैं पहले जोन के अंदर एंट्री ले लेता ना तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी रहता सर्वाइव करना, पर कोई नहीं, यहाँ पे मेरे को 23 का प्लस मिल चुका है हैशटैग 2 पे, और इस टाइप से आपको खेल सकते हो। लास्ट जोन में थोड़ा सा जोन को मतलब पहले देखो कि जोन कहाँ जाकर कहाँ शिफ्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आप रोटेशन पहले ले लो, नहीं तो भाई एंड जोन में काफ़ी ज़्यादा डैमेज देता है, समझ लो जिस जो मेरे साथ हुआ है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो थोड़ा सा संभाल के खेलो और जोन को सबसे पहले प्रायोरिटी दो, मैं ही बोलूँगा। उसके बाद यहाँ पे सीन देखो, तो फिलहाल यहाँ पे नेक्स्ट गेम प्ले में भी सीन देख सकते हो। यहाँ पे चुपचाप बैठ जाता हूँ क्योंकि एक बंदा भी मेरे को ठीक ठाक स्पॉट नहीं हुआ था, जिसके पास एक भी किल पहले तो नहीं मिलता। उसके बाद यहाँ पे चुपचाप बैठ के जो है ना अपना जो है ना थोड़ा सा लूट कंप्लीट कर ही रहा था, और इतने में मेरे को यहाँ पे सामने और एक बंदा स्पॉट होता है। तो अब सीन देखो, और ऑलरेडी मेरे पे भी एक बंदा यहाँ पे रश करने वाला है। तो अब सीन देखो, फाइट देखो ऐसे कैसे मैं यहाँ पे फाइट निकालता हूँ। तो फिलहाल हमारा रोहित भाई तो देख सकते हो शॉर्ट गन लेके सीधा घुस जाते, तो जैसे जैसे भाई को फिनिश कर देते उसके बाद एक भी फिनिशेस यहाँ पे नहीं मिलता। उसके बाद मैं खुद फिनिश हो जाता हूँ, जिसका पार्ट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि वीडियो में जब दो गेम प्ले डालता हूँ ना काफ़ी वीडियो लंबा बन जाता है। उसके बाद क्या सीन था यहाँ पे, इवेंट पे तो मैं फिनिश हो जाता हूँ, उसके बाद आराम से रिकॉल होने के बाद ना आराम से यहाँ पे सर्वाइव करता हूँ क्योंकि पुचिंग में उतरा था। पुचिंग में ऑलरेडी देख सकते हो यहाँ पे एक बंदा मेरे साथ ही था जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, तो इसलिए मैं सोचता हूँ थोड़ा सा सबसे पहले लूट करते हैं क्योंकि तुरंत उतरने के बाद फाइट मत करो, अपना हेलमेट वेस्ट उठाओ, गन उठाओ थोड़ा सा, फिर जाके सर्वाइव करो। क्योंकि अभी के टाइम पे सारे बंदे शॉटगन वगैरह और जो पता नहीं कौन सा गन आया है नया वो सब यूज़ कर रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, समझ रहे हो ना। ऐसा ही सीन होता है मेरे साथ भी यहाँ पे, जो आराम से अपना जो है यहाँ पे सर्वाइव निकालता हूँ, सर्वाइव निकालने के बाद चुपचाप बैठ जाता हूँ, और इतने में बंदा जो है ना थोड़ा सा मेरे को डैमेज देता है, देते ही मेरे पे घुस जाता है। तो मैं यहाँ पे भाई ऐसे तो मतलब फाइट नहीं करूँगा, सबसे पहले अपना हीलिंग कंप्लीट करते क्योंकि बीच में फाइट मेरे को सबसे ज़्यादा गंदा लगता है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सीन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे चुपचाप बैठ जाता हूँ, बंदा भी यहाँ पे मेरे पे नेड मॉली वगैरह ट्राई कर रहा था, और उसके बाद काफ़ी देर तक वेट करने के बाद ना बंदा भी मेरे पे यहाँ पे घुस जाता है। तो देखो यहाँ पे सीन, और लकीली यहाँ पे मैं जो है ना शॉटगन से भाई को फिनिश कर देते हैं, और यहाँ पे शॉटगन को मैंने थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया था, मेरे पास जो मटेरियल वगैरह था ना जिस वजह से किल फीड वगैरह भी थोड़ा सा आ रहा है, समझ रहे हो ना। तो मैं भाई फ्री का करता हूँ इतना, मतलब समझ रहे हो ना कि अभी चैनल से कुछ भी नहीं होता, समझ रहे हो, जिस लेवल का आप लोगों का सपोर्ट है क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ही मतलब बुरा लग रहा है। ऊपर से वीडियो भी काफ़ी डिले आ रहा है क्योंकि सपोर्ट आप लोगों का बहुत ज़्यादा लो है, और ऊपर से सीजन के एंडिंग भी है, तो मैं थोड़ा सा वेट करके खेल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा रेस्ट लेके खेल रहा हूँ नेक्स्ट सीजन के लिए। भाई आप लोग भी थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो अभी के टाइम पर, क्योंकि बस 15 दिन के आसपास मतलब 13-14 दिन के आसपास टाइम है, तो आराम से आप उसके बाद खेलना स्टार्ट कर सकते हो। कॉन्करर नहीं हुआ तो भाई 200-400 पॉइंट बाकी है, तो कोशिश करो आप लोग, आराम से आपका जो है ना कॉन्करर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सीन देखो, चुपचाप होल्ड करता और इतने में आता है यहाँ पे एक रोटेशन, देख रहे हो तुम्हारा भाई का बस स्प्रे देखो, मतलब 40 FPS डिवाइस लगेगा नहीं, मतलब इतना स्मूथ स्प्रे दे रहा हूँ। और जो भी भाई लोग बोल रहे थे कि भाई मेरे को लैग फिक्स के ऊपर, हीटिंग इशू के ऊपर वीडियो चाहिए, तो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और काफ़ी मस्त टिप्स यूज़ किया है, मतलब वीडियो में बताया जो मैंने खुद यूज़ कर, मतलब मैं खुद यूज़ करता हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब देखो यहाँ पे सीन था, उसको मतलब उस वाले बंदे को फिनिश करता हूँ, और उसका बग्गी लेके ना मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ, पर यहाँ पे ऑलरेडी दो बंदे रहते हैं। मेरे को मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि सामने वाले घर पे भी फुटप्रिंट आ रहा था, ये वाले घर से भी फुटप्रिंट आ रहा था, तो मैं सोचता हूँ सबसे पहले देखता हूँ कि सामने वाला जो बंदा था ना वो थोड़ा सा दूर जा रहा था, तो उसके मतलब मैं सीधा घुस जाता हूँ। अब यहाँ पे सीन देखो, और तभी देखता हूँ कि ये वाला बंदा क्या करता है, सीधा भागने लगता है। बंदे का नाम देख के तो रियल बंदा ही लगा, पर हरकत देख के मेरे को लग रहा था कि भाई बंदा बॉट था, समझ रहे हो ना। उसको देखो यहाँ पे मैं सोचता हूँ बंदा फिनिश हो चुका था, पर तुरंत यहाँ पे ऊपर से भी फुटप्रिंट आता है, तो मैं सोचता हूँ भाई इस बंदे को भी फिनिश करना होगा, नहीं तो मेरा मतलब जो है ना थोड़ा सर्वाइव करना भी दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे जोन भी था, मैं सोचा था कि यहाँ पे मतलब बंदा नहीं होगा, पर एक बंदा नहीं दो दो बंदे रहते, समझ ना। तो अब देखो इस बंदे को कैसे फिनिश करता हूँ, सबसे पहले मेरे पास जितना भी नेड मॉली था ना वो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ,
तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो भाई कितना सारा मैंने बंदे पे नेड किया, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद सीधा घुस के मैं शॉर्ट गन से बंदे को फिनिश करता हूँ। उसके बाद काफ़ी देर तक यहाँ पे होल्ड करता हूँ, एक भी रोटेशन मतलब एक दो रोटेशन तो जाता है, उससे कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। मैं स्प्रे भी लेता हूँ, कोई फ़ायदा किल्स वगैरह नहीं निकालता। इसमें भी इस गले गेम पे भी मेरे को 6 ही किल मिला था। उसको देखो आराम से यहाँ पे टॉप 5 भी सर्वाइव हो चुका है, आराम से यहाँ पे सर्वाइव निकाल रहा था। और गाड़ी लेके मैं कहाँ पे जाके होल्ड करूँगा, बस यहाँ पे सबसे पहले सीन देखो, एक रोटेशन जाता है मेरे सामने से और मैं यहाँ पे रुक के स्प्रे लेता हूँ बंदे पे। तो देखो यहाँ पे सीन, तो फिलहाल इस वाले बंदे को तो भाई काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता हूँ, एक दो बुलेट भी कनेक्ट होता है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे गलत सीन क्या था, यहाँ पे आके मैं रुक जाता, ये वाला पोजीशन मेरे लिए एकदम बहुत ज़्यादा बेकार ही था। तो सामने वाले शैक पे भी बंदा था, सामने वाले शैक पे मैं स्प्रे ले ही रहा था और तब देखना क्या सीन होता है। और इतने में ही मेरे को साइड से पड़ जाता है एकदम गंदा लेवल का, जो इजी में फिनिश हो जाता है। मेरे वाले ये वाला पोजीशन इतना जी मतलब इतना भी सही नहीं था, मैंने इतना ध्यान नहीं देता था कि उस साइड से भी मैं ओपन था, समझ रहे हो ना। और बंदा का केडी वगैरह देख के भी मेरे को कुछ ठीक सा नहीं लगा, पता नहीं बंदा शायद बहुत ज़्यादा प्रो भी हो सकता है, पर कोई नहीं। यहाँ पे मेरे को भाई ने फिनिश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खासा मेरे को यहाँ पे 21 का प्लस मिल चुका है। और इस टाइप से आपको खेलना है, थोड़ा सा सबसे पहले सर्वाइव निकालो, उसके बाद किल्स निकालो, उसके बाद फिर से सर्वाइव निकाल के आराम से सर्वाइव कर सकते हो और ईजी जो है ना फिनिश आपको मिल जाएगा और आराम से प्लस भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। और नया सीजन भी स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा सा वेट करके थोड़ा सा रेस्ट लेके खेलो। आपका कॉन्करर हो चुका है तो, और नहीं हुआ तो अपना ट्राई करते रहो, आराम से आपका कॉन्करर लग जाएगा। कुछ भी दिक्कत है तो मतलब कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इंस्टाग्राम पे भी आके बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट सीजन किसी को पेड बूस्ट वगैरह करवाना है तो मेरे से भी डीएम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो बस यही तक था, वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, चैनल पर नए आए ना तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलो मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।